Dear students, assalamu alaikum. This is your second video of maths class. As you know that we have started the December task in the previous lecture, and we have done question 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 questions we have done in the previous class. ठीक है? तो I hope कि आप सब ने ये अपनी copies में कर लिया होगा और यहाँ तक सबका डन हो चुका होगा और सबने बहुत नीट तरीके से किया होगा. आप लोगों ने बेटा मेरे साथ साथ चलना है, ठीक है? यानी जितना काम भी आपका मैं क्लास ऑनलाइन क्लास में हो रहा है, वीडियो में हो रहा है, वो सब आपकी क्लास वर्क नोटबुक्स पर बड़ी नीट तरीके से आता जाए. जितना काम आप छोड़ेंगे ये दोबारा नहीं करवाया जाएगा और ये आपके लिए पेंडिंग होता जाएगा, जिसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो ये बात जहन में रखें कि आपने हमारे साथ साथ चलना है. बेशक अगर आप ऑनलाइन क्लास में फॉलो नहीं कर सक रहे हैं तो आप वीडियो को देखकर उसकी हेल्प से अपनी कॉपी में काम अप टू डेट चलाएंगे. ठीक है, चलें जी अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 सबके सामने टास्क मौजूद होगा. क्वेश्चन 7 को देखें. सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकेंड इन द फॉलोइंग. ठीक है, पार्ट 2 पार्ट्स हैं इसके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पहला है 2x plus 4y from plus 5x minus 9y और दूसरा पार्ट है 5a square minus 3ab plus 2b square from 6a square minus 9ab plus b square. अच्छा, अब बेटा देखें, जब हम करने जाते हैं सब्ट्रैक्शन इन द अलजेब्रा तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. वो ये है कि आपने सबसे पहले ये देखना है, इसमें हमारी अपनी मर्ज़ी नहीं है कि कौन सा पॉलीनोमियल, कोई भी पॉलीनोमियल हम ऊपर लिख लें और कोई पॉलीनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम नीचे लिख लें. इसमें ये मस्ट है कि फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन आपके पास मौजूद है वो आपने मस्ट है कि ऊपर लिखना है, और जो पहला एक्सप्रेशन है फ्रॉम से पहले उसे आपने नीचे लिखना है. बिकॉज क्वेश्चन की डिमांड यही है कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकेंड. तो ये फर्स्ट है ये पहले लिखा हुआ है, ये सेकेंड है ये बाद में लिखा हुआ है. ठीक है, तो जो फ्रॉम के बाद सेकेंड है, वैसे भी यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, तो आपने उसमें से सब्ट्रैक्शन करनी है. अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन 7 की डिमांड है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकेंड एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग. ये यहाँ पर आप इसको खुला खुला बड़ा वाजे तरीके से देख सकते हैं. अब सबसे पहले तो हमने 5x माइनस 9y को ऊपर लिखा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन ऊपर लिखा जाएगा और फ्रॉम के बाद पहले वाला जो है वो उसके नीचे लिखा जाएगा. अब दूसरी बात ये है कि आपने अरेंजमेंट बड़ा सोच समझ के करना है, लाइक टर्म्स का अरेंजमेंट. यानी एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, आपने इनको ऊपर नीचे लिखा. फिर दूसरी टर्म वाई की पावर 1, वाई की पावर 1, ये दोनों लाइक टर्म हैं तो इन्हें ऊपर नीचे लिखा. अगर आपका ये अरेंजमेंट रॉन्ग है तो आपकी कोई भी सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होगा. ठीक है, अब ये जब हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा पॉलीनोमियल ऊपर है कौन सा नीचे है, तो उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आती है दैट वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ दोज एक्सप्रेशन टर्म्स विच इज़ रिटन बिलो द सेकेंड पॉलीनोमियल. यानी जो पॉलीनोमियल हमने नीचे लिखा है उसमें जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज होंगे. किस वजह से? जैसे कि आपके पास यहाँ माइनस मौजूद है तो इस माइनस और इस प्लस के सेंटर में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये माइनस का साइन जो है वो आपके इन दोनों टर्म्स के साइन से मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, सो प्लस का साइन अगर है तो वो माइनस हो जाएगा, और दूसरा भी हमारे पास प्लस है तो वो भी माइनस हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो माइनस सर्कल होकर प्लस हो जाएगा. ठीक है, ये दो काम बहुत ज़रूरी हैं फॉर द सब्ट्रैक्शन इन द अलजेब्रा. ठीक है, तो कि कौन सा पॉलीनोमियल हमें ऊपर लिखना है और कौन सा पॉलीनोमियल हमें नीचे लिखना है. बाकी काम जो है वो बिल्कुल सेम सम की तरह ही है, कोई इसमें और चेंजेस नहीं है. ये साइन चेंज करना मस्ट है, और ऊपर नीचे पॉलीनोमियल का जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसका ख्याल रखें. अच्छा
अच्छा, अब आप देखें कि आपके पास आपको सारे अगर एडिशन के रूल्स याद हों कि अगर एक साइन प्लस का है, अब 2x का साइन माइनस हो गया ना, पहले प्लस था, ये सर्कल होकर हमने इसको शो किया है कि ये अब माइनस हो गया, ठीक है। तो प्लस 5x माइनस 2x, एक साइन प्लस है, दूसरा साइन माइनस का है, तो जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कोअफिशियंट्स को माइनस करते हैं, यानी 5 में से 2 माइनस होगा तो आपके पास आंसर आएगा 3, और x उसके साथ उसका वेरिएबल, साइन किसका लगेगा जी, बिल्कुल ठीक है, साइन ऑफ ग्रेटर टर्म लगेगा, ये आपने प्लस का साइन लगाया, क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है ना 2 से, तो ग्रेटर टर्म इस वक्त हमारे पास 5 है। इसके बाद आपके पास जो सेकंड टर्म है, एक साइन माइनस का है, दूसरा साइन भी माइनस का है, दोनों साइन माइनस के हों, सेम साइन में हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स को प्लस करते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट्स को प्लस करते हैं, 9 और 4 प्लस होंगे, तो जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 13y। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये कि साइन किसका लगेगा, बगैर साइन के अगर आपने इसको सिर्फ 13y लिखा तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग कंसिडर होगा। अच्छा, जब दोनों साइन माइनस के हैं तो जाहिर सी बात है साइन जो है वो माइनस का ही आएगा, सही हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर 2 है, अच्छा जी, अब देखें पार्ट नंबर 2 आपके पास जो है उसमें भी हमारे पास दोनों जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उसके सेंटर में फ्रॉम नज़र आ रहा है, ठीक है, तो फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है। 6a² का साइन, स्टार्ट में कोई साइन नहीं होता तो कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह 5a² जो है इसके स्टार्ट में कोई साइन नहीं है तो हमारे पास प्लस का साइन है, तो आपने यहाँ लिखा प्लस 6a² माइनस 9ab प्लस 1b², ठीक है। फिर उसके नीचे ये जो पहला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको आप लाइक टर्म्स को देखते हुए कि पहली टर्म a² है तो a² वाली टर्म इसके नीचे आएगी, दूसरी टर्म ab है तो ab वाली टर्म इसके नीचे आएगी, इसी तरह b² आपकी तीसरी टर्म है तो इसके नीचे b² वाली टर्म आएगी। अगर ये अरेंजमेंट रॉन्ग होगा तो आपके आंसर्स एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब जो है इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने साइन चेंज किए हुए हैं, जैसे कि हमारा सेकंड जो रूल है सब्ट्रैक्शन का, कि पहले हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सा पॉलीनोमियल ऊपर आएगा, कौन सा पॉलीनोमियल नीचे आएगा, उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है सब्ट्रैक्शन में, दैट वी हैव टू चेंज द साइन, ठीक है। यानी प्लस है, स्टार्ट में कोई साइन नहीं था, प्लस है, इसको हमने सर्कल किया और इसको हम चेंज करके लिखेंगे माइनस, माइनस 3ab था, 3ab का साइन माइनस है, ये सर्कल होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी टर्म आपके पास है प्लस, तो इसी तरह ये साइन सर्कल होकर माइनस हो जाएगा, बात समझ आ गई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास जो इसका सलूशन है वो हम रूल्स के अकॉर्डिंग अभी हम कर लेंगे, क्योंकि बाकी जो बाकी रूल्स हैं वो एडिशन से मिलते जुलते हैं। तो 6a² का साइन प्लस है और 5a² का साइन माइनस है, ठीक है। तो जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो कोएफिशिएंट्स को हम क्या करते हैं जी, बिल्कुल, हम इसको करते हैं माइनस, यानी 6 में से 5 जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 1, और साथ में इसका जो वेरिएबल है a² हमने लिखा, साइन किसका आएगा, ग्रेटर टर्म का, बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास जो है प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि 6 बड़ा है ना 5 से, तो ग्रेटर टर्म हमारे पास 6 है, उसका साइन प्लस है। अब इसी तरह सेकंड हमारे पास है माइनस 9ab एंड प्लस 3ab, अब 3ab का साइन माइनस नहीं है, तो यहाँ फिर अगेन साइन हमारे डिफरेंट हो गए, ऑपोजिट हो गए, तो कोएफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और साइन किसका लगेगा, साइन ऑफ ग्रेटर टर्म, 9 इज़ ग्रेटर टर्म, उसका साइन माइनस है, तो सबसे पहले आप आंसर में साइन लगा लें, 9 से 3 माइनस करें, आपके पास आ जाएगा 6ab, ठीक हो गया। अब फिर वही बात है, एक हमारे पास है प्लस 1b², जहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, ये 1 कहाँ से आया, यहाँ b² के साथ तो हमारे पास जो है वो 1 नहीं है,
क्वेश्चन में। तो मैंने यहाँ वन कैसे लगाया, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता वहाँ पर वन मौजूद होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस वन बी स्क्वेयर, और नीचे आपके पास जो है टू बी स्क्वेयर का साइन जो है वो माइनस हो गया। तो अब अगेन हम कोएफिशिएंट्स को माइनस करेंगे, वन से तो टू माइनस नहीं होता, लेकिन हम जानते हैं कि अलजेब्रा में हम ऐसे कर सकते हैं कि जो ग्रेटर नंबर है चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे है, माइनस हम उसी से उसको करते हैं, ठीक है। सो साइन किसका लगेगा, साइन ऑफ ग्रेटर टर्म, अगेन हमारे पास टू बड़ी टर्म है, वन से तो हमारे पास साइन आंसर में आएगा माइनस का, टू से वन माइनस करेंगे वन आ जाएगा, और ये आपके पास बी स्क्वायर सही हो गया। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द पार्ट नंबर टू ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन। अच्छा जी, नाउ बॉयज यू कैन सी दैट वी हैव डन क्वेश्चन नंबर सेवन पार्ट वन पार्ट टू, इसके दो पार्ट से वो दोनों हमने डन कर लिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस टू ए बी व्हेन ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू थ्री। वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, ठीक है, वैल्यूज़ हमें यहाँ पर जो है वैल्यू पुटिंग जो हमने 8.4 जो थी एक्सरसाइज वो इससे रिलेटेड थी वो हमने की थी। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो क्वेश्चन में जो ए की वैल्यू है वो 2 है और बी की वैल्यू 3 है, और हमसे कहते हैं कि आप वैल्यू मालूम करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस 2ab, सही हो गया। अब आपने सबसे पहले क्वेश्चन को लिखा उसी तरह जैसे क्वेश्चन में है, ये ए स्क्वायर बी प्लस 2ab। अब इसमें हमारे पास पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि हम ये जो स्क्वायर है इसको ओपन करके लिखेंगे। ओपन करके लिखेंगे मीन्स के ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो पावर होती है किसी भी नंबर की वो क्या शो करती है, वो ये शो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखती हूँ 4 पावर 3, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 4 इज़ मल्टीप्लाइंग 3 टाइम्स विद इटसेल्फ, ठीक है। और अगर हम लिखते हैं x की पावर 4 हम लिखते हैं, इट मीन्स के x जो है इट इज़ 4 टाइम्स मल्टीप्लाइंग, ठीक है, इट इज़ 4 टाइम्स, ठीक है। नाउ अब अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, तो आपने इसको लिखना है कैसे, a मल्टीप्लाई ए, इट इज़ 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में रखें कि हमारे पास जो पावर होती है वो हमें ये बताती है कि ये नंबर कितने टाइम्स है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि एक की जगह तो हम लिख लेंगे a मल्टीप्लाई बाई a, ठीक है, और b जो है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ए स्क्वायर की जगह मैंने लिख लिया a मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। अब b और इस a के दरमियान मल्टीप्लाई कहाँ से आया, आप जानते हैं कि जहाँ सेंटर में कोई साइन नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो a स्क्वायर की जगह हमने लिखा a मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय b कहाँ से आया, क्योंकि b इसके साथ ए स्क्वायर के साथ बी मौजूद है और ए स्क्वायर और बी के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। फिर हमारे पास है प्लस का साइन, एज इट इज़ हमने लिखा। अब 2ab इसमें भी हम जो है इसको सेपरेट कर देंगे विद द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज वही बात है कि जहां सेंटर में कोई साइन नहीं होता वहां पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मौजूद होती है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, इससे ये होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है, हम इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने जब इसको सारे वेरिएबल्स को अकेला कर लिया, कोएफिशिएंट को अलग कर लिया, अब हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़ पुटिंग है, जो क्वेश्चन में ए की वैल्यू 2 गिवन है, बी की वैल्यू 3 गिवन है, तो अब हम उसको पुट करेंगे, सही हो गया। नाउ आप देख सकते हैं कि हम जो है इसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यू हैव टू राइट इक्वल का साइन हम लगाएंगे इसके मार्क्स होते, इसको भूलना नहीं है आपने। अब एक ही जगह एक ही वैल्यू 2 है ना, तो हम एक ही जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करते जाएंगे, 2 पुट करेंगे। और क्या बी की जगह भी 2 पुट करेंगे, नो, क्योंकि बी की वैल्यू 3 गिवन है, तो आप जहाँ पर बी मौजूद होगा वहाँ पर 3 पुट करेंगे। फिर आपके पास है प्लस का साइन, और ये 2 तो क्वेश्चन में ही मौजूद है, ये तो किसी की वैल्यू नहीं है ना, ये वाला 2 जो आपके पास क्वेश्चन से चला आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन से ये चीज़ आपके पास चली आ रही है। ओके, नाउ अब एक ही जगह हम क्या पुट करेंगे, 2, बिल्कुल एक ही जगह हम 2 लिख लेंगे, और बी की जगह हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ये हमने फर्स्ट स्टेप में हमने सारे वेरिएबल्स को बिल्कुल अलग कर लिया,
अकेला कर दिया ताकि हमें वैल्यू पुटिंग में आसानी हो और इस मेथड से हम इसको इजीली कर सकेंगे। अब जब हमारे पास वेरिएबल्स की जगह डिजिट्स आ गए हैं और मल्टीप्लाई और प्लस का साइन आ गया है, तो अब तो हम आसानी से डी मास रूल के मुताबिक इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और डी मास रूल हमें क्या कहता है कि पहले आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर आपने एडिशन की तरफ जाना है, यानी 2 × 2 × 3 पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर 2 × 2 × 3, फिर दोबारा से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके लास्ट में फिर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब 2 × 2 = 4, ठीक है, 2 × 2 = 4 एंड 4 × 3 = 12, बिल्कुल ठीक है। आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आ गया, 12 आ गया, बिल्कुल सेम डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 12 आएगा, 2 × 2 = 4 एंड 4 × 3 = 12, तो ये आपके पास 12 + 12 आ गया। नाउ इक्वल का साइन हम लगाएंगे, 12 + 12 आपके पास क्या आ गया, 24। नाउ दिस इज़ द आंसर के द वैल्यू विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर बी प्लस 2ab। हमने इसकी वैल्यू मालूम कर ली कि ये जो एक्सप्रेशन है ए स्क्वेयर बी प्लस 2ab किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू 24, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज, जो वैल्यूज इन्होंने दी थी उसके मुताबिक ये जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 24। ओके बॉयज, एज यू कैन सी दैट वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमारे पास यही एक्सप्रेशन था और इसकी हमने वैल्यूज हमें दी हुई थी और इसको हमने डन कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, इवेलुएट द फॉलोइंग व्हेन ए इज़ इक्वल टू 1 एंड बी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें वैल्यूज चेंज करके दी हैं और सी की वैल्यू भी मौजूद है, सी की वैल्यू है -1, सी इज़ इक्वल टू -1 एंड देयर आर 2 एक्सप्रेशंस, हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं, पार्ट 1 है 2ab - 3c और पार्ट नंबर 2 जो है ब्रैकेट में है a + b² - a - c² सही है। तो ये आप अब हम अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है वो मैंने लिखा है इवेलुएट द फॉलोइंग व्हेन ए इज़ इक्वल टू 1 एंड बी इज़ इक्वल टू 0 एंड सी इज़ इक्वल टू -1। द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ 2ab - 3c, बिल्कुल उसी तरह हम फर्स्ट स्टेप करेंगे कि 2ab को हम सेपरेट कर देंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा के, फिर -3c, ठीक है, 3 और c के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा तो सारे वेरिएबल्स और जो कोफिशेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। नाउ स्टेटमेंट वी विल राइट पुटिंग द वैल्यूज। Now here we are having different values of a, b and also c is given. Now 2 multiply a आपके पास जो है 1 आ जाएगा उसकी जगह, b की जगह वैल्यू आ जाएगी 0 और -3 multiply by, अब c की वैल्यू देखें मैं लिखने जा रही हूँ ब्रैकेट में, वजह क्या है, वजह यह है कि सी की वैल्यू में हमारे पास माइनस मौजूद है, तो जहाँ पर भी माइनस आ जाएगा उसको हम अपनी आसानी के लिए, ताकि हम खुद कंफ्यूज ना हो, हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब वही तरीक़ेकार है कि वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, देन वी विल डू द सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ देखें सब बच्चे, 2 1s are 2 एंड 2 0s are 0, बिल्कुल ठीक है। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब हमारे पास जहाँ जो भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर 0 आता है। माइनस, अब यहाँ ज़रा गौर से देखें, थोड़ा सा आपको याद होगा कि मैं ज़रा आपको ये साइन मल्टीप्लिकेशन क्लियर कर दूँ। हमने 8.3 में ही ये स्टडी कर लिया था कि हमारे पास जो साइन मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह से होती है। जब अलजेब्रा में साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस इनटू प्लस क्या होता है, प्लस, सही है, फिर माइनस इनटू माइनस इज़ इक्वल टू प्लस, यानी जब भी आपके पास सेम साइन, देखिए प्लस और प्लस मल्टीप्लाई कर तो प्लस ही आएगा, लेकिन जब माइनस और माइनस भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर उसका प्लस ही आता है, ठीक है। देन प्लस इनटू माइनस इज़ इक्वल टू माइनस, इसी तरह माइनस इनटू प्लस इज़ इक्वल टू माइनस, सही है। तो ये आपके पास रूल्स हैं ऑफ फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, ठीक है, प्लस इनटू प्लस प्लस, माइनस इनटू माइनस प्लस,
प्लस इन टू यानी डिफरेंट साइन, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो या माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो, आंसर माइनस ही आता है। और जब सेम साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है। बस इस चीज़ को जहन में रखें तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हम स्टडी कर चुके हैं। यहाँ मैंने इसलिए रिकॉल करवाया क्योंकि इस पॉइंट पर अब देखें माइनस थ्री है मल्टीप्लाई माइनस वन है। अब यहाँ पर जो है साइन भी मल्टीप्लाई हो रहा है और नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ नंबर्स मल्टीप्लाई हुए थे, कोई मसला नहीं था, माइनस का कोई साइन नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखें ये साइन माइनस थ्री है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वन से। तो पहले जब हम साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि साइन जो माइनस इनटू माइनस, अभी जो मैंने आपको बताया कि माइनस इनटू माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस इनटू माइनस प्लस आ जाएगा एंड थ्री वन जा थ्री, थ्री वन नंबर को हमने नंबर से मल्टीप्लाई किया, साइन को साइन से किया, माइनस इनटू माइनस प्लस, प्लस कहाँ से आ गया, सो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुए हैं एंड थ्री वन जा थ्री। तो अब आप एडिशन करेंगे बिकॉज हमारा साइन चेंज हो चुका है, जीरो प्लस थ्री आपके पास क्या आ जाएगा, थ्री आंसर आ जाएगा। जीरो तो नहीं आएगा ना, जीरो प्लस थ्री क्या आंसर आएगा, थ्री आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास जो इसका पार्ट नंबर टू है दैट इज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस सी होल स्क्वायर। अब यहाँ ज़रा काम थोड़ा हमारा आसान है, वो इस वजह से बिकॉज हमारे पास जो है वेरिएबल सब अलग अलग हैं, ए प्लस बी, ए माइनस सी, यानी हम इनकी वैल्यूज़ को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है, हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है पुटिंग द वैल्यूज़। अब यहाँ पर सबसे पहले आप इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे ए की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, यस ए की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, ए की वैल्यू हमारे पास है वन, सही है। अब ए की वैल्यू को हम एक ही जगह जहाँ भी ए आएगा वहाँ हम लिखेंगे वन, प्लस बी की जगह हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, एज़ यू कैन सी वी आर हैविंग बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिर हमने ब्रैकेट बंद की, स्क्वायर लगाया, ठीक है, जो क्वेश्चन की फॉर्म है वो हमने चेंज करें। मैंने सिर्फ ये किया कि ए की जगह वन लिख लिया, बी की जगह ज़ीरो लिख दिया। अब सेकेंड मेरे पास है, एक ही जगह हमारे पास अगेन वन आ जाएगा माइनस, और मुझे ये बताएं कि जो सी की वैल्यू है जो कि माइनस वन है उसको हम क्या कैसे लिखेंगे, क्या दो माइनस के साइन इकट्ठे बगैर ब्रैकेट के समझ में आएंगे, नहीं। इसी वजह से मैंने जो सी की वैल्यू, यहाँ पर सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस वन है, तो उसको मैंने पुट किया है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर ही ब्रैकेट में मैंने उसकी वैल्यू लगाई ताकि मैं खुद कन्फ्यूज़ ना हो सकूँ, ठीक है, या मेरी गलती ना आए। ना इक्वल का साइन, अब बॉड जहाँ ब्रैकेट आती है वहाँ बॉड मास आ जाता है, हम बॉड मास के रूल को यूज़ करेंगे, उसके मुताबिक सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो वन प्लस ज़ीरो आपके पास जो ब्रैकेट की डिमांड है वो क्या है, वन प्लस ज़ीरो वन आ जाएगा। स्क्वायर तो अभी मौजूद है ना, ये स्क्वायर ये तो कहीं नहीं गया। अब इसके बाद आपके पास जो है माइनस का साइन जो कि क्वेश्चन से चला आ रहा है यहाँ तक, अब ये ब्रैकेट अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते। वजह क्या है, वजह ये है कि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ब्रैकेट मौजूद है। तो माइनस इनटू माइनस, अगेन देखें माइनस और माइनस का साइन जो है उसके सेंटर में ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्या शो करती है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो वन तो हमने उसी तरह से लिख लिया ये वाला, और माइनस इनटू माइनस आपके पास वन हो जाएगा और ये हो गया वन, ये यहाँ से आ गया, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुए, ठीक है, तो ये प्लस बन गया और होल स्क्वायर हो गया, यानी स्क्वायर तो मौजूद है, या टू पावर टू जो है, एक्सपोनेंट टू जो है वो अपनी जगह पर है। नाउ इक्वल का साइन, अब ये बताएं, मैंने आपको भी बताया था कि जब हमारे पास किसी भी चीज़ की जो पावर होती है वो क्या शो करती है कि वो नंबर उतने टाइम्स है, वन का स्क्वायर है, चले ब्रैकेट लगा लें, बात तो वही है ना, तो वन की पावर जो है वो टू है, इसका मतलब है कि वन कितने टाइम्स है, वन टू टाइम्स है। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे वन स्क्वायर तो कैसे लिखेंगे, वन मल्टीप्लाई बाय वन माइनस, अभी तो यहाँ ब्रैकेट मौजूद है ना, यहाँ तो अभी ब्रैकेट अभी हम नहीं रिमूव कर सकते, ब्रैकेट की क्या डिमांड है, वन प्लस वन टू होल स्क्वायर, सही है। अच्छा अब ओके, अब आप यहाँ देखें, मैं लाइन गैप नहीं दे रही, आप लोगों ने देना है, अगर मैं पेज टर्न करूँ तो फिर ये आपको क्लियर नहीं होगा, वन वन जार वन आ जाएगा, सही है। और
मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब टू स्क्वायर है, इसका मतलब है कि टू कितनी बार हम लिखेंगे, टू हम टू टाइम्स लिखेंगे, सही हो गया। फिर इक्वल का साइन, वन अपनी जगह पर, माइनस टू टूज आर फोर, सही है। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने करनी है सब्ट्रैक्शन, लेकिन वन का साइन क्या है, स्टार्ट में कोई साइन नहीं है, प्लस वन है। अब ज़रा देखें रफ वर्क इसका करेंगे। नाउ रफ वर्क में हम लेकर जाते हैं प्लस वन एंड माइनस फोर, ठीक है। अब इधर देखें ग्रेटर का साइन आ जाएगा, माइनस क्यों आया, क्योंकि ग्रेटर नंबर फोर है ना, और ऑपोजिट साइन है, तो फोर से वन माइनस होगा, आपके पास आंसर आ गया माइनस थ्री। क्या आंसर आया, माइनस थ्री। मैं इसके सामने ही लिख रही हूँ, आप भी चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। सो द आंसर, अगर आपने थ्री लिखा ना तो दैट विल बी टोटली रॉन्ग, ओके, बिकॉज जहाँ माइनस आता है और हम माइनस ना लिखें तो वो प्लस को शो करता है। तो ये ज़रूरी है कि आपने इसके साथ माइनस शो करना है, वरना ये आंसर रॉन्ग कंसिडर होगा। सो द एक्सप्रेशन a प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस ए माइनस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस थ्री अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज़, यानी जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में a, b और c की दी हुई थी, a इज़ इक्वल टू वन है और b इज़ इक्वल टू ज़ीरो है और c इज़ इक्वल टू वन है, तो इसके मुताबिक ये जो एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है माइनस थ्री। हमारा क्वेश्चन ये था, इवेल्यूएट का मतलब है टू फाइंड द वैल्यू, ठीक है। ओके बॉयज, एज यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर नाइन के जो टू पार्ट्स थे वो भी हमने डन कर लिए हैं, तो हमारा जो डिसम्बर टास्क है वो कम्प्लीटली जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे तरीके से आपको हमने समझा दिए, और ये उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे इसको बड़े अच्छे तरीके से अपनी क्लास वर्क नोटबुक्स में शेडिंग के साथ विद एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन सारा काम आपका जो है डिसम्बर टास्क का आज के आज कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम अपना दिसंबर टास्क जो है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। अब हम आएंगे बुक की तरफ, ठीक है। नाउ बुक में आपके पास जो है, बुक में हम स्टार्ट लेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 से हम स्टार्ट लेंगे। 5.1 के बारे में मैं ये बता दूं कि अगर कुछ बच्चों के जहन में सवाल आ रहा है कि 5.1 जो है वो हमने नहीं की है, तो बॉयज़ इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप वापस आएंगे, अच्छा जी, तो ये हम स्टार्ट ले रहे हैं 5.2 से। 5.1 जब इंशाल्लाह आप लोग वापस आएंगे तो वी विल डन इन द क्लास वर्क कॉपीज़। तो इससे पहले, बिफ़ोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5.2, आप लोगों ने ब्रैकेट्स का इंट्रोडक्शन जो है वो हर क्लास में तकरीबन हो चुका था, नहीं भी हुआ तो हम इसको दोबारा से करते हैं, रिकॉल करते हैं। तो बॉयज़ ये है कि आपने इसके बारे में वर्ड नहीं होना कि हमारी 5.1 डन नहीं हुई है और हम 5.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 5.2 आपने जो इसका टाइटल पेज है, टाइटल पेज मींस जैसे कि हम क्लास में लिखते हैं एक्सरसाइज, थोड़ा सा जो है बोल्ड लेटर्स में एक्सरसाइज 5.2 इज़ ऑन पेज 67, ये लिखकर फिर क्वेश्चन लिखें, उसकी शेडिंग आपने करनी है और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर वन लिखेंगे, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा जो हमारे पास इसकी ब्रैकेट्स का जो इंट्रोडक्शन था, जो इसकी डिटेल्स हमें बताई थी कि किस तरतीब से हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं और कितनी टाइप्स की ब्रैकेट्स होती हैं, सब के सामने जो है पेज 62 ओपन हो जाए, वो सब के सामने मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आपसे कहते हैं ब्रैकेट्स आर यूज टू ग्रुप टू और मोर नंबर्स टुगेदर विद अदर ऑपरेशंस, ठीक है। आपसे कहते हैं कि हमारे पास जो है ब्रैकेट्स जो हैं वो कुछ नंबर्स को हम इकट्ठा करके उसका ग्रुप बना लेते हैं और उसको ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, और उस ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस हो सकते हैं। अब नंबर वन जो ब्रैकेट है दैट इज़ कॉल्ड विनक्यूलम, इसका पहला नाम है विनक्यूलम और बार, विनक्यूलम और बार ब्रैकेट, और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में होती है। नंबर टू आपके पास है पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस और कर्व्ड ब्रैकेट्स और सर्कल्ड ब्रैकेट्स, और एक इसका नाम और भी है जो कि काफ़ी कॉमन है, दैट इज़ राउंड ब्रैकेट, ठीक है।
इसकी शेप हमारे पास इस तरह से होती है जो कि राउंड शेप में ही आपको नज़र आ रही है, ठीक है। पैरेंथेसिस और कर्व्ड ब्रैकेट्स और सर्कल्ड ब्रैकेट्स, ठीक हो गया। फिर आपके पास जो है नंबर 3 ब्रेसिस और कर्ली ब्रैकेट्स, जो आपके सेट्स में आपने यूज़ की हुई है या आपके लिए बिल्कुल अननोन नहीं है, अनफेमिलियर नहीं है। सेट्स का चैप्टर हमने किया था और हमने ब्रेसिस या कर्ली ब्रैकेट्स जो कॉमन नेम इसका है वो आपको पता है, आप इससे बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर है। इसकी शेप जो है ब्रेसिस की तरह होती है, ठीक है। फिर नंबर 4 जो सबसे बिग ब्रैकेट है दैट इज़ कॉल्ड स्क्वेयर ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इसकी शक्ल जो है वो आपके पास जो है कुछ इस तरह से होती है कि आप इसको ज्वाइन कर दें तो बॉक्स बन जाएगा, ठीक है, और या जो है इसको ज्वाइन करें तो आपके पास स्क्वायर शेप बन जाएगी। लेकिन हम इसको ज्वाइन नहीं करते, इसकी सिर्फ शेप के अकॉर्डिंग इसको ये नाम दिए गए हैं। अब इन ब्रैकेट्स का जो सोल्यूशन है वो इसी तरतीब से होता है, यानी अगर एक क्वेश्चन है जिसमें ये चारों ब्रैकेट्स मौजूद हैं तो हमारी मर्ज़ी नहीं है कि हम पहले ब्रेसेस को सॉल्व करें या फिर हम स्क्वायर को करें फिर पैरेंथेसिस पे जाएं और फिर विनक्यूलम को लास्ट में करें, नो। इसकी तरतीब यही है कि अगर एक क्वेश्चन में ये चारों ब्रैकेट्स मौजूद हैं तो सबसे पहले विनक्यूलम सॉल्व होती है, यानी जो विनक्यूलम की डिमांड है वो हम पूरा करते हैं। नंबर 2 आपके पास है पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट, ठीक है। जब हमारी विनक्यूलम सॉल्व हो जाती है या किसी क्वेश्चन में आपके पास विनक्यूलम नहीं है तो स्टार्ट हम पैरेंथेसिस से लेते हैं, ठीक है। फिर तीसरा नंबर आता है ब्रेसिस या कर्ली ब्रैकेट का। जब हमारी पैरेंथेसिस सॉल्व हो जाए तो फिर हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और सबसे लास्ट में जो हमारा तरीका है कि हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को। सबसे आखिर में जो बारी रह जाती है वो स्क्वायर ब्रैकेट की रह जाती है, ठीक है बॉयज़। तो ये तरतीब आपने अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेनी है। बहुत सारे बच्चों को ये आता भी होगा, पता भी होगा, लेकिन हम रिकॉल इसको कर रहे हैं और ये चीज़ आपकी बुक में मौजूद है, ठीक है। तो आपके पास देखें ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स भी लिखा हुआ है कि इफ़ मोर देन वन ब्रैकेट इज़ यूज्ड इन वन क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स यूज़ किए जाएं देन ब्रैकेट्स विल बी ओपन्ड इन द अबव मेंशन्ड ऑर्डर दैट इज़ विनक्यूलम, लाइन आपको नज़र आ रही है, सेकंड टर्न राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। बिल्कुल ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ओके बॉयज़, हमने अपना पेज रेडी किया, एक्सरसाइज 5.2 पेज 67। क्वेश्चन आपका जो है इसमें है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये थोड़ी सी इसमें करेक्शन भी आप करेंगे कि बुक में देखें आपके पास लिखा हुआ है कि सॉल्व द सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशंस, सो दिस इज़ नॉट इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन में आपके पास इक्वालिटी का साइन मौजूद होता है तो इसको देखें एक्सप्रेशन कर लें। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, पेंसिल के साथ आप इसको काट कर यहाँ पर लिख लें एक्सप्रेशंस, ठीक है। ई एक्स पी आर ई डबल एस आई ओ एन, यानी दीज आर द एक्सप्रेशंस नॉट इक्वेशंस, ठीक है। ये करेक्शंस आप कर लीजिएगा बुक में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जल्दी से हम इसको कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। आपके पास सिर्फ एक ही ब्रैकेट क्वेश्चन में मौजूद है दैट इज़ पैरेंथेसिस, तो किसकी टर्न है, पैरेंथेसिस की टर्न है, यानी पैरेंथेसिस के अंदर की जो डिमांड है वो ये है कि अब देखिए ये सारी वैल्यूज़ आपको डेसिमल में नज़र आ रही हैं, जो 5.1 थी उसमें हमारे पास होल नंबर्स थे और फ्रैक्शंस थी, ठीक है। नाउ 5.2 जो है इसमें सारी वैल्यूज़ हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ होंगी और आपने इसको रिकॉल करना है कि हम डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। ये सब कुछ आप जो है क्लास 5 में सीख चुके हैं, साथ साथ हम इसको रिकॉल भी करते जाएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर की डिमांड है 1.6 माइनस 0.3। नाउ यू कैन सी दैट आपने रफ़ वर्क में जाके इसका सलूशन कर लेना है कि 1.6 बड़ा नंबर है, इसको आपने ऊपर लिखा और माइनस है, इस वजह से बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर हमने नीचे लिखा, जाहिर सी बात है 0.3 छोटा नंबर है, ठीक है। अब 6 से 3 माइनस करें तो आपके पास 3 आ जाएगा,
पॉइंट ये वो चीज़ है जो आपके सारे क्वेश्चंस को सही या गलत कर सकता है। ये वो डॉट है जो पूरे क्वेश्चन की मेहनत को आपको ये ज़ाया कर सकती है अगर आप इसको पुट ना करें। अच्छा, वन से ज़ीरो माइनस करें तो आपके पास आता है वन। और देखें बॉयज़, अगर आपके पास ये पॉइंट ना हो तो ये 13 बन जाता है, जबकि 1.3 और 13 में बहुत डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है। सो हमने सलूशन किया और सलूशन में हमारे पास ब्रैकेट का जो आंसर आया है दैट इज़ 1.3। तो आपने लिखा 1.4 प्लस 1.3, ठीक है। अब हमारे पास एक ही ऑपरेशन रह गया है कि वी हैव टू ऐड 1.4 एंड 1.3। अब देखिए इसमें ये तरीका होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, प्लस माइनस में डेसिमल नंबर्स में ज़रूरी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए या डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। पॉइंट से पहले वन है, हमने यहाँ लिखा, पॉइंट के बाद थ्री है। प्लेस वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्लेस वैल्यू का ख्याल नहीं रखेंगे जस्ट लाइक होल नंबर्स एडिशन तो आपका आंसर कभी भी ठीक नहीं आएगा, ठीक है ना। 4 + 3 करें, आपके पास आ जाएगा 7 पॉइंट, अब प्लस कर रहे हैं ना, 1 + 1 आपके पास 2 आ गया। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2.7, ठीक है। ये हमारे पास जो है आज का लेक्चर था, और अब मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी अबाउट टुडेज होमवर्क। बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बॉयज, नाउ नोट डाउन योर टुडेज होमवर्क, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई, ठीक है। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आपने जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, बिल्कुल उसी की तरह है। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट की जो डिमांड है, राउंड ब्रैकेट, एक ही ब्रैकेट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो 1.4 माइनस 0.5, पहले आप इसको रफ वर्क में सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपने, अच्छा फिर 1.5 प्लस उसी तरह लिख कर ब्रैकेट का आंसर यहाँ पर पुट करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में आप 1.5 और ब्रैकेट के आंसर को प्लस कर लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, सब्ट्रैक्ट 7x² माइनस 4xy प्लस y² फ्रॉम 8x² माइनस xy प्लस 2y². आपका ये आज के दो क्वेश्चंस होमवर्क में हैं। अब नंबर 2 में आपने क्या करना है कि जो फ्रॉम के बाद आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको आपने कहाँ लिखना है? बिल्कुल ठीक है, शाबाश, ये आपने लिखना है ऊपर, और इसके नीचे फिर आप अरेंज कर करके x² के नीचे x² की टर्म आए, xy के नीचे xy की टर्म आए, y² के नीचे y² की टर्म आएगी, अरेंज कर करके लाइक टर्म्स को, तो आपने लिखना है। फिर आपने क्या करना है कि ये जो एक्सप्रेशन होगा जो नीचे आप लिख रहे हैं, उन सब के साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। साइंस आपने चेंज कर लेने हैं, और इस वाले पॉलीनोमियल को जो है वो ऊपर लिखना है, और उसके बाद आपने इसको रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपको बता दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सो एक पेज पर आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, और दूसरे क्वेश्चन पर आपने ये क्वेश्चन कर लेना है सब्ट्रैक्ट वाला, ठीक है। सो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।